एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नोसाइंस। आज है हमारे पास हाईवास T500 प्लस प्रो। ये हमारे पास एक प्रकार की स्मार्ट वॉच है काफी अफोर्डेबल प्राइस में। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर वीडियो। ये है हमारे पास हाईवास 7 सीरीज 7 स्पेस एल्यूमिनियम केस, 44 mm का इसमें हमें डायल मिल जाता है एंड मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। चलिए फटाफट से इसको करते हैं अनबॉक्स। तो आप देख सकते हैं ये स्मार्ट वॉच हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है। इसके अंदर यूजर मैनुअल भी आता है लेकिन वो भी मेरे पास नहीं है, तो आप स्मार्ट वॉच को ही देख लीजिए, वैसे भी यूजर मैनुअल कौन पढ़ता है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का ब्लैक कलर का मैट फिनिश का हमें बेल्ट मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी है नॉर्मल, मतलब ना ही ज़्यादा घटिया है ना ही ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन नॉर्मल डिसेंट क्वालिटी है इस बेल्ट की। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हमें स्मार्ट वॉच का बेल्ट मिल जाता है। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, हमें और क्या देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमें देखने को मिल जाता है इस प्रकार स्मार्ट वॉच का ये छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा चार्जर, जिससे आप USB पोर्ट की सहायता से अपनी स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें काफी अच्छी क्वालिटी का चार्जर देखने को यहाँ पर मिल जाता है, काफी अच्छी तरीके से हमारी स्मार्ट वॉच चार्ज हो जाती है। नीचे से ऊपर स्लाइड करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें काफी तरह तरह के वॉलपेपर मिल जाते हैं, प्लस ऐप इंस्टॉल करने पर आप वॉलपेपर चेंज भी कर सकते हैं। ये है हमारे पास इसका पीछे का डायल जो कि कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है सीरीज 7 का। एक यहाँ पर हमें यहाँ पर स्मार्ट वॉच के साइड में डायल देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी हमारे पास स्मार्ट वॉच है। और ये हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर स्पीकर, और पीछे की साइड आप देख सकते हैं जो दो बिंदु हैं गोल्डन कलर में, वहाँ पर आपको अपनी चार्ज वाली पिन लगानी है। इस साइड करने पर आपके वॉलपेपर इस प्रकार चेंज होते रहेंगे, आप देख सकते हैं। और नीचे से ऊपर जाने पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा आपको। नेक्स्ट आपको इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार कुछ सेक्शन दिखाई देने को मिलेगा, सारी की सारी ऐप वगैरह हैं, कॉन्टैक्ट, फेसबुक, सेटिंग्स जो भी होती है सारी की सारी आपको इस प्रकार दिखाई देने पड़ेगी। आपको इस पर हल्का सा टच करना है जिससे ये जो सारी एप्स हैं वो खुल जाएगी। यहाँ पर आप अपनी हार्ट बीट भी नाप सकते हैं, ज़्यादा विश्वास मत करना इसको, इसकी हार्ट बीट रेटिंग पर नॉर्मल थोड़ी बहुत ठीक है कर लेना, एक्यूरेट का मैं नहीं कह सकती होगी या नहीं। इस प्रकार इसमें हमें काफ़ी सेटिंग्स मिल जाती है, टाइम डेट वगैरह आप इसमें सेट कर सकते हैं, लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं, जो भी आपको सेट करना हो आप इसमें सेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको इसमें अपनी कॉन्टैक्ट जो लिस्ट है वो आपको इसमें सेव करनी पड़ेगी एप्लीकेशन में जाके, यानी कि जो ऐप इंस्टॉल करेंगे उससे आप कर सकते हैं इसमें कॉन्टैक्ट नंबर सेव। इसके अलावा आप इसमें अपनी ECG भी मेजर कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमें इस प्रकार की स्पोर्ट्स मिल जाता है जिसमें आप रनिंग, बाइक राइडिंग, फुटबॉल आदि की टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि कितने स्टेप चलना है दिन में, कितने स्टेप नहीं चलना है, कितने फुटबॉल खेलना है, कितना फुटबॉल नहीं खेलना है, जैसी आपकी मर्जी हो। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर तो होगा ही आपके मोबाइल में, फिर आपको हाई वॉच प्रो इस नाम की एप्लीकेशन को सर्च करना है, फिर आपको हाई वॉच प्रो नाम की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो फटाफट से हम करते हैं इसको इंस्टॉल। ये हुई 22%, ये हुई 43%, ये 64%, 89% और ये 100%। फटाफट से इंस्टॉल होती है और हमने किया इसे ओपन। जो भी परमिशन मांगे धड़ाधड़ आपको देते जाना है, तो नहीं देंगे तो ये चलेगी कैसे, है ना। तो अलाउ करते जाइए धीरे धीरे। ये हमने किया इसको अलाउ और फिर हमने इसको कर दिया एग्री। जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे आप एग्री अलाउ करते जाइएगा, तो फिर ये वापस हम कर देंगे यहाँ पर एग्री। फिर ये लोकेशन की परमिशन मांग रहा है तो दे दीजिएगा। तो यहाँ पर आप माइन में जाएंगे तो वहाँ से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन कर भी सकते हैं और आपकी मर्जी हो तो कर लीजिएगा, आपकी मर्जी नहीं हो तो मत कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन पर जाएंगे और आपका जो पासवर्ड है और जो भी ईमेल से करना चाहते हैं या गूगल से करना चाहते हैं वैसे आप लॉगिन कर लीजिएगा। सेट पर जाएंगे तो कैसे कनेक्ट करना है, यहाँ पर आपको ऊपर दिखाया जाएगा बाइंड डिवाइस टू एक्सपीरियंस मोर फीचर्स। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी स्मार्ट वॉच है वो यहाँ पर शो हो जाएगी T500 प्लस प्रो। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके MOBIL से कनेक्ट हो जाएगी स्मार्ट वॉच, जो हमारी स्मार्ट वॉच है वो हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगी।
तो आप देख सकते हैं अब हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा और हमारी स्मार्ट वॉच हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो चुकी है। बिल्कुल फाइंड पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी स्मार्ट वॉच की एकदम क्या होता है वाइब्रेट करने की आवाज़ सुनाई देगी। आपको सुनाई दे ही रहा होगा, एकदम वाइब्रेट कर रहा है हमारा मोबाइल नहीं स्मार्ट वॉच। तो इस प्रकार वैसे घंटी बजनी चाहिए थी ताकि हम कहीं रखकर भूल जाते हैं तो वापस मिल जाए हमें। मैसेज पुश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने स्मार्ट वॉच में कौन कौन से मैसेज की नोटिफिकेशन आनी चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपको ट्विटर की चाहिए, फेसबुक की चाहिए, इंस्टाग्राम की चाहिए एंड जो भी ऐप की आपको चाहिए, फिर आपको नोटिफिकेशन को अलाउ करना पड़ेगा। तो यदि जो भी चाहिए आप अलाउ कर दीजिएगा, नॉर्मल इतनी सी बात है। नेक्स्ट यहाँ पर आप डायल सेटिंग्स भी कर सकते हैं। वॉलपेपर बोलती हूँ मैं तो, उसको डायल बोलते हैं मेरे को तो अभी पता चला। तो यहाँ पर आपको तरह तरह के भर भर के डायल मिल जाएंगे क्योंकि अभी क्रिसमस जल्दी आने वाला है। तो हम क्रिसमस वाला डायल थोड़ा सा क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। फिर आपको इस प्रकार क्लिक करना है चेंज द डायल पर, फिर ये कुछ रिमाइंडर वाला आ रहा है उसको कर देना है गॉट इन, और फिर आपके मोबाइल में और स्मार्ट वॉच में इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और ये अपग्रेडिंग हो रहा है 32 से 100% तक। जब जैसे ही अपग्रेडिंग होगा हमारे जो मोबाइल का जो डायल है वो CHANGE चेंज हो जाएगा। पहले इस प्रकार का पृथ्वी दिखाई देगा और ये हमारे मोबाइल का डायल चेंज हो चुका है। तो मैरी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ आने से पहले ही मैं आपको दे रही हूँ। तो यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट का आप दिखाई दे रहा है आपको, कॉल कर लीजिएगा। अब इसको तो क्या करके बताना है, कॉल को तो है ना, कॉल करनी आती होगी आपको। नेक्स्ट आप अपनी स्मार्ट वॉच में कॉन्टैक्ट कैसे सेव करेंगे, सबसे पहले आपको जानना है फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स में। यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो भी आपका दोस्त का नाम है, पड़ोसी का नाम है, सर का नाम है वो आपको इस प्रकार सेव कर देना है, नंबर लिख देने हैं। चलिए चलते हैं हमारी स्मार्ट वॉच पर। यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी फोन बुक, उसमें आपको ये जो कॉन्टैक्ट है वो इस प्रकार सेव हुआ मिल जाएगा। आराम से आप कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं। इसी प्रकार आप स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो एप्स होती है वो आपको कौन से स्टाइल में देखनी है। यहाँ पर आपको 5 स्टाइल मिल जाते हैं, जो भी आपको पसंद हो वैसे आप चूज कर लीजिएगा। तो चलिए आप इसमें बेल्ट लगाना सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको साइड में कुछ छेद जैसी जगह मिलेगी, उसमें आपको बेल्ट को इस प्रकार फिट करना है। जो यहाँ पर बेल्ट की जो अंदर वाली साइड है जिसमें थोड़ा सा खड्डा हुआ बना हुआ है उसको आपको पीछे वाली साइड में रखना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा गैप मिलेगा, उसमें आपको इस प्रकार अपने बेल्ट को फिक्स कर देना है और ये हमारी स्मार्ट वॉच रेडी है। कैसे चार्ज करना है अभी बताते हैं फटाफट से। आपके घर में कोई पुराना सा पड़ा हुआ चार्जर होगा तो सबसे पहले पावर को बंद करना है, इस प्रकार चार्जर लगाना है। उसमें जो USB केबल हमारे साथ में ही है उसको इस प्रकार फिट करना है। तो इसमें आपको जो 2 बिंदु दिख रहे होंगे और आपके घड़ी स्मार्ट वॉच के पीछे भी 2 बिंदु दिख रहे होंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें इसको इस प्रकार चार्ज कर लेना है और ये एकदम अपने आप ही फिट हो जाएगा। और जैसे ही आप बटन ऑन करेंगे घटाघट हमारा ये स्मार्ट वॉच चार्ज हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय टेक्नो सेंस। थैंक यू।